नमस्कार। देखिए, जाट जो है मिडिल ईस्ट से आए थे, आप भी जानते हैं, तुर्की के इलाके से। धीरे धीरे एक अच्छे जीवन की खोज में उन्हें यहां गंगा जमुना की जो बेल्ट मिली, या आप कह सकते हैं इंडस, सिंधु नदी जिसको कह सकते हैं, या उपजाऊ जमीन थी। क्योंकि जाट सीथियंस से इनकी वहां पर खेती की बहुत अच्छी इनको नॉलेज थी। क्रमबद्ध तरीके में यहां से उठते चले गए। इनकी आगे चल के एक गोत्र है जिसका नाम है तंवर गोत्र, और जो ये सकलान सिल्कलाना ये गोत्र इनकी एक शाखा है। शाखा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी गोत्र को ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाता है जो राज करे, अफसर बने, या बड़ा नेता बन जाए, या कुछ एक अलग अचीवमेंट करता है, तो लोग उसको फॉलो करने पर लग जाते हैं। अब फॉलो जो करते हैं तो क्या करते हैं, उसको आदमी को नाम नहीं रखता है, उसी गोत्र उसी व्यक्ति का नाम को गोत्र बना लेते हैं। तोमर वंश दिल्ली सम्राट अनंगपाल द्वितीय, जो कि तोमर की जिसने उपाधि धारण की थी, आप जानते हैं तोमर गोत्र की खाप बहुत बड़ी, 84 गांव है ये यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। इनके अंदर एक राजा हुआ था जिसने दिल्ली पर राज किया था, सल्कलान पाल, और यह देशपाल इस खाक के मुखिया थे। यह अक्षपालान के पुत्र थे, उसी के नाम पर देश खाप पड़ा। यह खाप बहुत अधिक क्षेत्र में था, जो कि देश नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ये इतना बड़ा गोत्र था। इसको लगभग पहले देश कितने होते थे, 100 गांव के, 50 गांव के देश होते थे। चूंकि ये छत्री थे, जाट थे, लड़ते रहते थे, ये कहते उस समय तक किसी के गुलाम नहीं हुए थे। ज्यादातर जो गांव है, 84-85 गांव जितने हैं, ये मेरठ बागपत के आसपास हैं। 1976 में सल अक्षपाल तोमर, जो कि दिल्ली पे राज सिंहासन थे, करते थे राजा, उन्होंने लगभग 25 साल 10 महीने तक दिल्ली पे राज किया। उसके बाद 1005 में ये दिल्ली के राज सिंहासन को छोड़कर शमशाना की ओर चले गए। कुछ समय बाद जब इन्होंने यमुना पार करी, तो आधुनिक जांच कर रोहतक है, इसके आसपास भी इन्होंने राज किया कुछ समय तक। राज क्या किया, फिर वो तो हट चुके थे, पर बाद में उसमें आ गए थे। इनके एक और थे जिनकी शाखा थी महिपाल, इन्होंने मेरठ के आसपास के कुछ गांवों पर राज किया था। कहते उसके उस समय देखो आबादी कम थी, और कहीं पर ईट, कहीं पर रोड़ा, भानमती ने कुंडमा जोड़ा, ऐसे तो गांव बसते थे। कहते इनके पास लगभग 500 आदमी की फौज थी। श्री सुखबीर सिंह के निधन के बाद इनके बड़े पुत्र सुरेंद्र सिंह ने देश खाप की चौधर के रूप में मनोनीत किया गया उनको। अभी समझ, खाप क्या है, जैसे मैं मान हूं और हमारे 50 गांव है, उन सब का जो कहा जाएगा इनको, गांव के समूह को, जैसे दैया खाप, मलिक खाप, वैनीवाल खाप, तो समूह को कहा जाता है खाप, और उनका जो प्रधान होता है उसको कहते हैं खाप प्रधान। तो ये आप देखना, तकरीबन जाटों के जितने गोत्र हैं, लगभग जितने आसपास गांव 20-30 उनके खाप बोल के उनके प्रधान हैं अलग अलग। उत्तर प्रदेश में जो सकलान है, इसके गांव जो है, एक तो सकलान के नाम से ही है, एक बामनोली, मेदिनपुरा, कासमपुर खेड़ी, बूढ़पुर, सिमरोठी, गऊ गऊ। हमें ये पुराने दो तीन भाइयों के नाम तो मिले इस गोत्र के, लेकिन नयों की हम सर्च में हैं,
और आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को सुने, कृपया जो गांव रह गए उनके नाम बताएं और साथ साथ जो व्यक्ति रह गए उनका भी नाम अवश्य बताएं, ताकि हम अपनी हिस्ट्री को अपडेट कर सकें। फिर वही बात है, आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, www.jatpeople.com पे जाके जाट डायरेक्टरी में अपना नाम रजिस्टर जरूर कराएं। साथ साथ शादी का, मैट्रिमोनियल का, यदि आपके आसपास जानकार किसी भी रिश्तेदारी से को बच्चा शादी लायक है तो उसका नाम मैट्रिमोनियल में अवश्य रजिस्टर करें। आप लोगों से इजाजत लेते हुए नमस्कार।